गुंडी भाई का नाम नहीं है, गुंडी भाई ब्रांड है, ब्रांड बहुत मदद करते हैं, बहुत बहुत से बहुत मदद करते हैं, क्या बोले तो भगवान बहुत लंबी उम्र दे। गुंडी भाई का नाम नहीं है, गुंडी भाई ब्रांड है, ब्रांड बहुत मदद करते हैं, बहुत बहुत से बहुत मदद करते हैं, क्या बोले तो भगवान बहुत लंबी उम्र दे। देना चाहेंगे बच्चों को और युवाओं को? यही देना चाहूँगा कि अपने काम धंधे में ध्यान दें, अपनी फैमिली पे ध्यान दें, बेफालतू का इधर उधर ना घूमें, जो किसी के लिए इधर उधर घूमने से अच्छा अपना काम करें, अपनी फैमिली को देखें और अपना घर चलाए, यही सबसे अच्छी बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। गुज़िश्ता कल बरोज़ जुमरात बालीगंज फाड़ी के बोंदेल गेट रोड में गोल्डी सिंह द्वारा अपनी स्वर्गवासी माँ जसविंदर कौर की याद में बच्चों में और इलाके के ज़रूरतमंद लोगों में अम्ब्रेला डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम एहतमाम किया गया, जहाँ मौजूद थे वार्ड नंबर 65 की काउंसिलर निवेदिता शर्मा, सुशील शर्मा और दीगर हजरात। आगे देखिए वीडियो में पूरी रिपोर्ट। অক্ষয় হোক এবং তার মানুষের এই কল্যাণমূলক কাজের মধ্যে দিয়ে থাকুক। গোল্ডির এই উদ্যোগ আরো নিশ্চয়ই নেবে ভবিষ্যতে, একসাথে আমাদের এই সমস্ত উদ্যোগকে সহায়তা করতে হবে এবং আমাদের পাশে থেকে তাকে সাফল্য মণ্ডিত করতে হবে। এখানে অনেকেই আছেন। প্রচেষ্টায় বিনা স্বার্থে যেরকম ভাবে কর্ম করেছে, যার ভেতরে বাচ্চাদের স্কুলের ছোট ছোট বাচ্চা পেন্সিল থেকে আরম্ভ করে দুপুরে খাবার থেকে আরম্ভ आपका नाम बताएं? रोहित ठाकुर। रोहित क्या करते हो? रोहित पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई पढ़ते हैं कौन से क्लास में? नाइन क्लास में पढ़ाई करते हो। तो रोहित, आज यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है कि अम्ब्रेला छाता दिया जा रहा है, तो तुमको कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत भैया लोग हेल्प कर रहे हैं सभी को, अच्छा का बात है, खुशी है। गोल्डी भाई कैसा काम करते हैं? गोल्डी भैया तो इस लॉकडाउन से लेकर अभी तक तो सबका लिए मदद करते आए, आगे भी करेंगे। आप लोग का रहेगा तो सपोर्ट रहेगा तो। क्या क्या मदद करते हैं बताओ? खाना से लेकर पीना से लेकर सब कुछ करते हैं भैया। तो पढ़ाई करते हो, तुमको कुछ मिला पढ़ाई करने के लिए? हाँ, बहुत कुछ मिला। बैग मिला। अच्छा, स्कूल बैग वगैरह भी मिलता है? बहुत कुछ मिला, पानी का बोतल उतल सब कुछ मिला। कौन से स्कूल में पढ़ते हो बाबू? आदर्श। कौन से क्लास में? नाइन क्लास में पढ़ते हो। तो तुम्हारा क्या इच्छा है? तुम अगर कल को बड़े होते हो और तुम्हारे पास भी काफ़ी सारा पैसा अगर कमाते हो, मदद करेंगे, लोगों की मदद करोगे? हाँ, जरूर। भगवान हमको देगा तो हम सबको देखेंगे। और बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? और बड़े को क्या, जो किस्मत में लिखा रहेगा वही बनेगा। चलो बेटा, तुम क्या करना चाहोगे बड़े होकर? बड़े होकर क्या करना? आर्मी ऑफिसर बनेगा। अरे वाह, ग्रेट। उसके बाद क्या करोगे? देश की सेवा। ম্যাম, আপনার ওয়ার্ডে এইরকম এত ভালো সোশ্যাল কাজ হচ্ছে, কি বলবেন ম্যাম? আমি বলবো, আমি প্রথমেই বলছি যে গোল্ডির মায়ের যে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে সে সময় আমরা ছিলাম, খুবই দুঃখের ব্যাপার। আর গোল্ডি তার মায়ের স্মৃতিতে যেসব সমাজসেবামূলক কাজ করছে, এটা দেখে অনেক যুবকই অনুপ্রাণিত হবে এবং তারাও এগিয়ে আসবে। আর ও শুধু ছাতাই নয়, এবং কম্বল দান করেছে এবং লোককে খাওয়ানো, লকডাউনের সময় অনেক সেবা সমাজসেবামূলক কাজও করে, ঠান্ডা জলের মেশিন করেছে, যেটা অনেক মানুষই উপকৃত হবে। যাই হোক, আমি চাই যে যারা ওর কাজে উপকৃত হয়েছে তাদের সবার আশীর্বাদ ওর মাথায় থাকবে, ও যাতে ভবিষ্যতে আরও সাহায্য করতে পারে। যা যুবকরাই আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ,
ওরা ওকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ করবে, সেটা আমাদের সমাজের পক্ষে খুবই ভালো হবে। ম্যাডাম, আপনারা নিজেই পুরো ওয়ার্ডে ঘুরে ঘুরে সমস্ত মানুষের কাছে দাঁড়িয়ে আপনারা কাজ করেন, আর এরকম যখন গোল্ডিদার মতন লোকেরা যখন সামনে আসে এসে আর সাপোর্ট করে, তখন কেমন লাগে? তখন খুবই খুশি হই যে না, আমাদের পরেও এরা কাজ করতে পারবে এবং ওরা আমাদের সঙ্গে থেকে শিখে নিচ্ছে। আমরা খুবই খুশি হই এবং আন্তরিকভাবে ওদেরকে আশীর্বাদ করি, ওরা যেন দাঁড়াতে পারে এবং সমাজের দুস্থ লোকের যেন কোনো অসুবিধে না হয়, এইটা আমি ওদের সাফল্য কামনা করি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সুশীলদা কি বলবেন দাদা আজকে এই আমব্রেলা ডিস্ট্রিবিউশন গোল্ডিদার কাছ থেকে? প্রথমেই আমি গোল্ডি সিংকে আমি আমার শুভেচ্ছা জানাবো, অভিনন্দন জানাবো, এই যে ও বেছে নিয়েছে গরমের মধ্যে অনেক গরিব মানুষের কষ্ট হচ্ছে তাদের হাতে ছাতা তুলে দেওয়ার জন্য আজকের এই অনুষ্ঠানের জন্য। এছাড়াও আরেকটি মহৎ কাজ করেছে, এই পাশেই ভারত ব্যাটারির সামনে এখানে একটি ঠান্ডা জলের মেশিন বসিয়েছে, তাতে এখানকার যারা শ্রমিক যায় এবং এরা পথচারী তাদের অত্যন্ত সুবিধা হয়েছে যে তারা পরিশ্রুত ঠান্ডা জল পান করতে পারছেন। গোল্ডির এই সমাজসেবামূলক যে মন, এটা এখনই শুধু নয়, তার মায়ের স্মৃতিতে প্রয়াত জসবিন্দর কাউরের স্মৃতিতে তিনি এটা করছেন। এর আগে লকডাউনের মধ্যেও বহু মানুষকে ও খাবার তুলে দিয়েছে হাতে বিনামূল্যে, কাজেই এই জাতীয় যে কর্মকাণ্ড সমাজসেবামূলক তার জন্য ওকে কোনো প্রশংসা যথেষ্ট নয়। ও আমাদের ছোটো ভাই, সুতরাং ওর এই কর্মকাণ্ড চলুক, আগামী দিনে আরও প্রসারিত, এই কামনা করি আমরা। দাদা, এখনকার ইউথকে কি মেসেজ দেবেন দাদা এইরকম কাজ করার? ইউথকে মেসেজ এটাই যে যুবকরাই তো হচ্ছে শক্তি, আমাদেরকে পথ দেখাবে, তো সুতরাং তারা যদি এইতে অনুপ্রাণিত হয়ে আরও আরও বেশি করে রক্তদান শিবির, এরকম কোনো দুস্থদের পাশে দাঁড়ানো, গরিব মানুষের পাশে দাঁড়ানো সমস্ত যেগুলো কাজ, তাদের পাশে শিক্ষার জন্য হোক, তাদের খাদ্যের জন্য হোক, সমস্ত ব্যাপারে তারা যদি এগিয়ে আসে, তবে নিশ্চয়ই সরকারের সঙ্গে সঙ্গে আরও সাধারণ মানুষও আরও বেশি করে উপকৃত হবে যদি যুব সমাজ এগিয়ে আসে। তবে সরকারের পক্ষেও সহজ হবে এই কাজকে, সামাজিক সমস্ত কর্মকাণ্ডকে মোকাবেলা করা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। বলিজি ক্যা কহেঙ্গে ইয়ে জো সেবা কি সদ্ভাব কহাঁ সে ইয়ে প্রেরণা মিলতি হ্যায়? ये एक्चुअली जब हमारी माता जी थी उन्होंने ही मुझे बोला था कि लॉकडाउन के टाइम जितना हो सके तुम सबकी हेल्प करो। आज उनके बाद भी मैं चाहता हूँ कि जितना हो सकता है मुझसे मैं सबकी हेल्प करूँ, और इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, बस हमारे एरिए के लोग हैं, जो हो पा रहा है कर रहा हूँ और आगे भी जो हो पाएगा जितना हो पाएगा उतना करूँगा। कहा जाता है कि अगर सेवा करना है तो सबसे पहले अपने पड़ोसी का सेवा करो, तो आप वो दायित्व को पूरी तरीके से निभाने की कोशिश कर रहे हैं? जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं। आने वाले वक्त में गोल्डी जी और क्या करने की इच्छा रहेगी आपको? मैं सिट एंड ड्रॉ, बच्चों के लिए सिट एंड ड्रॉ कॉम्पिटिशन वगैरह करवाएंगे ना? जी हाँ बिल्कुल कराएंगे। और स्पोर्ट्स में लेकर के और भी बच्चों के लिए देखेंगे कुछ? एक्चुअली क्या है ना, जब जैसा मौसम रहता है, जब ठंडे का वक्त रहता है तो कम्बल, अभी गर्मी का वक्त है, बारिश का मौसम है तो छाता, जब जैसा इंसान को जो चीज़ की प्रॉब्लम है, जैसे कॉपी किताब पहले थी स्कूल के बच्चों को, जब लॉकडाउन खुला तो बैग की ज़रूरत थी, तो जितना हो पाएगा, मतलब मेरे से जितना हो पाएगा, ये तो मैं नहीं कह सकता कि मैं बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ, लेकिन जितना हो पाएगा ज़रूर करूँगा। बोलिए, एक चीज़ देखा जाता है कि हिंदुस्तान में मेडिकल का बहुत प्रॉब्लम है लोगों को, गरीब लोगों के लिए दवाइयाँ या इलाज बहुत महंगा रहता है, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। आने वाले वक्त में क्या आप कोई चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह खोलेंगे बच्चों जैसे फ्री चेकअप के लिए, मैं हफ्ता में एक दिन ऐसा कुछ? ऊपर वाले ने चाहा तो ज़रूर करेंगे, दिल में ख्वाहिश है करने। दिल में ख्वाहिश तो बहुत कुछ है। चलिए, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ, धन्यवाद। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, बच्चों को और युवाओं को? यही देना चाहूँगा कि अपने काम धंधे में ध्यान दें, अपनी फैमिली पे ध्यान दें, बेफालतू का इधर उधर ना घूमें, जो किसी के लिए इधर उधर घूमने से अच्छा अपना काम करें, अपनी फैमिली को देखें और अपना घर चलाएं, यही सबसे अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर, आज अम्ब्रेला डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है आपके वार्ड में और ख़ास तौर पर गुल्डी जी के द्वारा, कुछ दिन पहले ही ठंडा पानी का एक फिल्टर लगाया गया था, क्या कहना चाहेंगे कल काम को लेकर? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, पिछले दो साल से जब लॉकडाउन के पीरियड था, ये
65 नंबर वार्ड जो है एक्चुअली हाई राइज बिल्डिंग भी है, छोटा बस्ती भी है, तो यहाँ बहुत गरीब इंसान लेबर क्लास के आदमी यहाँ रहते हैं, तो उनको लॉकडाउन में खाने पीने का जब तकलीफ हुआ तो गोल्डी सिंह ने आगे आया, बाकायदा उनके लिए पहले रेशन का पैकेट बनाया गया, उसमें चावल दाल आटा तेल वगैरह सभी कुछ था। फिर इन्होंने उसी महीने में दोपहर के लंच की व्यवस्था की, शाम को नाश्ता का व्यवस्था किए, दिन को नाश्ता का व्यवस्था किए, और बच्चे लोग के लिए तो इन्होंने जो किया वो आपको क्या बताऊं, जो उनके पढ़ाई के स्कूल बंद था उस हिसाब से घर में कामकाज नहीं था, तभी इन्होंने उनके लिए स्कूल के बैग किताब कॉपी पेंसिल कलर बॉक्स टिफिन बॉक्स वाटर बॉटल और ठंडे के टाइम में कंबल। अभी फिलहाल उन्होंने जो उनके माताजी श्री जसविंदर कौर के याद में अभी काफ़ी महंगी मशीन है, वो मशीन उन्होंने ठंडा पानी के लिए लगाए कि इस एरिए के जो भी इंसान आना जाना करे अगर गर्मी में प्यास लगे तो कम से कम एक ग्लास ठंडा पानी वो उनको पिला सकते हैं। उनका इस प्रयास को बहुत पुण्य का काम है और उनके माताजी का स्वर्गवास के याद में ये किया गया है। तो सिर्फ 65 नंबर वार्ड नहीं, बॉन्डेल रोड से हर जाने आने वाले को ये ठंडा पानी पीने का मौका मिल रहा है, इसलिए उनको हम तो हार्दिक शुभेच्छा देते हैं और इस एरिया के सभी में उनको बहुत बधाई देते हैं। आने वाले दिन में इसी तरह समाज सेवा वो करते रहें और सबको अपना बनाते रहें। गोल्डी जी जिस तरीके से समाज सेवा कर रहे हैं, क्या लगता है इस तरीके से अगर और भी सब यूथ अगर आ जाते हैं तो लगता है कि हिंदुस्तान का भारत का नक्शा मतलब बदल जाएगा, बहुत तरक्की की तरफ चले जाएगा। जी इसी तरह अगर हम लोग इंसान इंसान के मदद करना लग जाए तो आने वाले दिन में हिंदुस्तान में गरीबों का सहारा किसी अमीर के लिए और इंतजार करने नहीं पड़ेगा, इसी तरह हम लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे। थैंक यू। কিছু সপ্তাহ আগে ঠান্ডা জলের ব্যবস্থা করা হলো, এখন দেখা যাচ্ছে ছাতা দিয়ে। হ্যাঁ এটা তো মানে কি বলবো, আমার বলার কিছু নেই, এত বেশি একটা লোকের পক্ষে একের পর এক যে উপকার গরিবের জন্য করে যাচ্ছে, যেরকম আপনারা জানেন কিছুদিন আগেই ঠান্ডা জলের মেশিন একটা তিনি লাগিয়েছেন, আজ সেরকমই গরিবদের দুস্থ লোকেদের কথা মাথায় রেখে গরমের কথা চিন্তা করে যাতে যেরকম জল খেয়ে লোকে একটু ঠান্ডা অনুভব করবে সেরকম মাথায় ছাতা ধরে যাতে একটু রোদের ছাওয়া তারা অনুভব করতে পারে যাতে গরম একটু কম লাগে, একটা লোকের গোল্ডি সিং একার প্রচেষ্টায় যেরকমভাবে একের পর এক নানা রকম অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন রকম কাজ করে চলেছেন, আমি চাইব আমাদের সকলের পক্ষ থেকে গোল্ডি সিংকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ, এবং আমি এও চাইব যে গোল্ডি সিং যেন বিগত দিনে আরও এরকম নানা রকম কাজ করে আমাদের সকলকে অনুপ্রাণিত করবেন, এবং ওনার সাথে আমরা যুক্ত থাকতে পেরে আমরা নিজেদেরকেও ধন্য মনে করছি। এছাড়াও গোল্ডি সিং তার মার স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটা আকস্মিক দুর্ঘটনায় তিনি গত হয়েছেন, এবং আমরা তার আত্মার শান্তির কামনা করি, এবং গোল্ডি সিংয়ের সাথে আমরা চিরকাল তার সঙ্গে থেকে তার সকল কর্মের সঙ্গে আমরা যুক্ত থাকব, এই বলছি। গোল্ডিজি ক্যা লাগতে আপ যাহা পর রহতে হ্যায় ইহা পর আর ক্যা চিজ কি বহুত জরুরত হ্যায় লোগো কো, আগার আপকো মৌকা মিলে তো ও কাম আপ কর পায়েঙ্গে। यहाँ हम लोग रहते हैं बस यही है, सब मिल यहाँ सब मिल बाँट के ही रहते हैं, और मैं चाहता हूँ सब हमेशा मिल बाँट के ही रहे, जो सबके लिए हम जो जिससे हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं ही, जिससे जो हो सकता है वो सब मिल के सहायता करे, जिनकी जो जो प्रॉब्लम है सब मिल के उनको सॉल्व करे तो इससे भी अच्छा और पाए, मैं सब, तो ये सब मिल के अगर करे तो आसानी रहेगा, और ऐसे भी जितने भी मेरे आस पास के लोग हैं मेरी बहुत सपोर्ट करते हैं, तो उनके साथ रह के ही सब कुछ मैं पूरा कर पाता हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं सीनियर लोग हैं आसपास पड़ोसी हैं। एक चीज़ देखा गया बच्चों में आपका काफ़ी प्यार है, बच्चे आपको काफ़ी पसंद करते हैं। नहीं बच्चों का संग ऐसा है ना कि जितने भी बच्चे हैं मैं कभी किसी से मजाक नहीं करता, उल्टी उल्टी बात नहीं करता, प्यार करता हूँ, तो देखिए अपने बच्चों रहे थे कि चॉकलेट वगैरह भी देते हैं गोल्डी भाई, देखिए वो तो एक बच्चों का प्यार है, आसपास के बच्चों को प्यार करने से क्या होता है कि चलो एक प्यार बना रहता है, किसी को गलत बोल के क्या हासिल करना है,
जिंदगी में आए हैं, अच्छा काम करेंगे जब तक है, और बस कुछ नहीं है स्वार्थ मेरा आ जाता है। एक अच्छे इंसान की पहचान बच्चों से जो ज़्यादा मोहब्बत करता है वो दिल से बहुत अच्छा होता है, ये कहा जाता है। जी हाँ, वो तो बच्चे बता पाएंगे, ठीक है, अगर मैं ही अपने मुँह से बोलूँगा तो कैसे अच्छा लगेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए। स्किन ग्लोज इन टू वेज, ए यूजिंग फिल्टर्स और बी वाटर। बहामास, फील द फ्रेशनेस ऑफ वाटर ऑल ओवर अगेन। बहुत अच्छा लगता है जब कोई परेशानी लेकर खुशियाँ बांटे, उसी तरीके से आया है अक्की कंप्यूटर्स। आपके पुराने लैपटॉप या कंप्यूटर को लेकर के वी कैन गिव यू द फ्रेश वन, और यू कैन बाय द सेकेंड हैंड बजट फ्रेंडली कंप्यूटर्स फ्रॉम अक्की कंप्यूटर्स, जहां आपको सिर्फ लैपटॉप या यूज कंप्यूटर ही नहीं, उनके पार्ट्स और बहुत सारे वैरायटीज भी मिलेंगे। प्लीज विजिट अक्की कंप्यूटर्स एज सून।